everyone, this is Viditi Sharma. Welcome back to my YouTube channel. Today I am sharing hair spa oil. So guys, start करते हैं आज की वीडियो को हेयर स्पा ऑयल के साथ. ये हेयर स्पा ऑयल मैं बहुत ही इजी तरीके से मैंने घर में बनाया है और इसको मैं 7 से 8 ईयर यूज़ करते हुए हो गया है. काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और इसका रिजल्ट बेस्ट है. तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इसको मैं कैसे बनाती हूँ और ट्राई करने के बाद इसकी तो मैं गारंटी ले सकती हूँ कि ये रिजल्ट इससे बेस्ट ही मिलने वाला है. बहुत ही ज़्यादा खुशी होने वाली है आप लोगों को. अगर आपको कोई हेयर प्रॉब्लम है तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है. तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है. तो आप पहले ऑयल देख लीजिए, ये ऑयल कौन कौन से हैं. तो फ्रेंड, यहाँ मैंने 4 ऑयल लिए हैं. ये हमारा है मस्टर्ड ऑयल जो हम किचन में यूज़ करते हैं, सरसों का तेल. और जो ये है, ये कोकोनट ऑयल लिया है मैंने. और ये लिया है मैंने जैतून का. और ये है मेरा तिल का. आफ्टर डिलीवरी मेरा वेट बढ़ गया था, मेरा 64 वेट हो गया था. पर जो मैंने फास्ट तरीके से वेट लॉस किया तो उससे मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुई. उससे क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे बाल जो थे ना, बाल मेरे झड़ने शुरू हो गए थे. बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो गया था क्योंकि मैंने जो बहुत फास्ट से करा था वेट लॉस, हालांकि ऐसे नहीं करना था. लेकिन मैं बताती हूँ कि जब मेरे साथ ये हुआ, मेरे हेयर अच्छा, मतलब ग्रोथ अच्छी है. आप देख सकते हैं अच्छे खासे हैवी हेयर है मेरे. तो उस समय क्या हुआ था, मेरे बाल जो है ना झड़ने शुरू हो गए थे. बहुत ही स्पीड से मेरे झड़ रहे थे. जब भी मैं कॉम्ब करती थी हेयर, मतलब अपने बालों में कॉम्ब करती थी, अच्छे खासे मेरे बाल जाते थे. लेकिन मुझे फिर भी ये लग रहा था, मैंने रोका नहीं अपना वेट कम करना. मुझे बस वेट कम करना था किसी भी हालत में. मेरे बालों की अगर आप देखते कि मेरे बाल जो है, मतलब टोटल इतने से बाल मेरे चोटी करने के बाद, जैसे हम चोटी गूंथते हैं वो नीचे बाल रह जाते हैं ना, मेरे इतने से बाल रह गए थे. इतने से मतलब बहुत ही, मतलब मुझे इतनी चिंता हो रही थी, हो यार मेरे बाल देखो कितने घने बाल मेरे, बचपन से ही मेरे ऐसे बाल हैं. तो मेरे इतने से बाल रह गए थे. और ये बात मैं मतलब आपको बता रही हूँ कि मैं खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. मेरे बालों की ग्रोथ इतनी सी रह गई थी. तो आप सब जानते हो फ्रेंड कि बालों का हमारी पर्सनैलिटी में कितना बड़ा रोल है. अगर हम अपनी थोड़ी भी पर्सनैलिटी चेंज करना चाहते हैं या अपने को न्यू लुक देना चाहते हैं तो हम हेयर स्टाइल ही चेंज करते हैं. कभी हम बालों को बांध लेते हैं तो कभी क्लचर लगा लेते हैं, कभी चूड़ा बना लेते हैं, तभी लुक चेंज होता चला जाता है. तो बाल तो होने बहुत ज़रूरी हैं और बाल अच्छे रहें तो ही अच्छा है, क्योंकि एक न्यू पर्सनैलिटी एंड न्यू लुक देते हैं हेयर. तो फ्रेंड, मैंने ये मिक्स करके एक ऑयल बना लिया. और ऑयल मैं करती क्या थी, मैं नाइट में इसको लगा लेती थी. नाइट में लगा कर सो जाती थी, गूंथ लेती थी चोटी को या फिर अपना रबर बैंड लगा लेती थी और नेक्स्ट डे जो है वॉश कर लेती थी. लेकिन आप लोगों को अगर, जैसे अब गर्मी है तो अगर नहीं नाइट में लगा पा रहे हो तो अपना हेयर वॉश करने से पहले 30 मिनट्स या 1 आवर पहले आप लगाएं एंड वॉश कर लें. तो मैं ऐसे ही रेगुलर करती थी. मेरे मतलब 1 मंथ में ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला मुझे. आप देखोगे हेयर फॉल तो धीरे धीरे करके ना रुक ही गया था. मतलब 2 से 3-4 डेज में ही मेरा हेयर फॉल जो है कम होना स्टार्ट हो गया था. और 1 मंथ में मेरे जो हेयर की ग्रोथ थी, मतलब न्यू हेयर्स ना आने स्टार्ट हो गए थे. अब ये वही हैं. अब आप हमेशा यही लगाती हूँ मैं, कोई अकेला सिंपल ऑयल कोकोनट या कुछ ऐसे नहीं लगाती. ये देखो, आप देखोगे ये तिल की जो है, तिल का ऑयल है, ये इतने से इतना हो गया. अब मुझे असल में बनाना था ये ऑयल, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ. और मैं अपना ऑयल बना के रख लूँगी. तो मैं इसी तरह बना के रखती हूँ और हमेशा से इसी को लगाती हूँ. क्योंकि आप एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करेगा. अगर आप इसकी स्पा की बात करते हैं कि इससे हम स्पा कैसे कर सकते हैं, तो इनको मिक्स करिए, अच्छे से अपने हेयर्स में लगाइए, अच्छे से कवर कर लो, बहुत अच्छे से, जिसे कहते हैं रूट्स में लगाकर अच्छे से पूरे बालों को ऑयल से कवर कर लेना है. उसके बाद टॉवल, जो पतला सा टॉवल होता है, उसको एक गुनगुने से पानी में डिप करो और अपने हेयर को थोड़ी देर के लिए कवर करके रखो. 15 से 20 मिनट उसको कवर कर लो. और उसके बाद हल्के हाथ से मसाज करो, हल्के हाथ से मसाज करनी. उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए अपने मनचाहे शैम्पू से. तो आप खुद देखिएगा कि आपके बाल कितने सॉफ्ट, शाइनी, स्मूथ हो जाएंगे. तो ये हेयर स्पा ट्रिक है. तो आप घर में इस तरीके से हेयर स्पा कर सकते हैं इस ऑयल के साथ. तो चलिए, अब आप लोग मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें और देख लेते हैं. तो फ्रेंड, ये मैंने एक बाउल लिया है और एक ये मैंने कुछ इस टाइप का लिया है, क्योंकि मुझे इक्वल लेनी है सारी चीज़ें. तो इक्वल हम ऑयल लेंगे, कोई भी ऑयल है. माना ये मेरे पास कम ऑयल है तो मैं इसी के अकॉर्डिंग उतना ऑयल लूँगी. मेरा मैं पूरा नहीं भर रही हूँ, मुझे मैं थोड़ा ही बना लूँगी.
मिला के बात ये है कि आपको अगर जितना बनाना है, ये मैंने तिल का ऑयल लिया है, मतलब जितना भी आपको लेना है वो इक्वल लेना है, इक्वल लेना है। अब ये कोकोनट ऑयल ले रही हूँ मैं, ये मैंने उतना ही कोकोनट ऑयल ले लिया है। मस्टर्ड ऑयल, वही जो खाने में हम यूज करते हैं, सरसों का ऑयल है। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने चारों ऑयल जो हैं ले लिए हैं, इनको मैं अच्छे से मिक्स करके एक बॉटल में कर लूँगी, बॉटल में करके इसको मैं रेगुलर इसको अप्लाई करती हूँ जब भी हेयर वॉश करें। अगर आपको लग रहा है कि मेरे बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा आपकी कंडीशन रहती है कि बालों को बहुत जल्दी जा रहे हैं, तो आप इसको डेली भी लगाकर, डेली लगाएं, दो दिन इसको लगा रहने दें और उसके बाद वॉश कर लें। जितना आप ज़्यादा लगाएंगे और जितना बहुत ज़्यादा मत करो, बहुत दो दिन तक लगा रहने दो इसको, तो उतनी जल्दी आपके हेयर स्किन कंडीशन अच्छी होती चली जाएगी और दोबारा से जो नए हेयर हैं, मतलब न्यू हेयर स्टार्ट हो जाएंगे निकलने। और ये जो कहते हैं न्यू नहीं आएंगे, एक बार झड़ गए हैं तो न्यू नहीं आएंगे, या कुछ ये सब कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि मेरे खुद न्यू आए हैं, मेरे खुद, मैंने बताया मेरे सारे झड़ के इतने से रह गए थे, तो वो मेरे खुद से दोबारा से जो भी ग्रोथ हो गई है मेरे बालों की, हैवी हो गई थी, ये सब किया। ये तो मैं और अच्छी लेंथ भी हो जाती है, क्योंकि मैं तो कटिंग कराती हूँ, तो इसलिए मैं कटिंग कराती रहती हूँ, नहीं तो अच्छे खासे मेरे लॉन्ग हेयर हो जाते हैं, बहुत ही कम समय में लॉन्ग हो जाते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा ऑयल को, और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या मेरी न्यू रील्स देखना चाहते हैं, तो मेरी इंस्टा आईडी है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप फटाफट से जाइए, आप लोग मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड, अब मैं आपसे मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।